पीएम मोदी ने बीते दिनों राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें सभी देशवासियों को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाने के साथ साथ वैक्सीन का पूरा खर्च उठाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उम्मीद है कि 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मुफ्त टीका देगी। किसी भी राज्य सरकार को टीके पर कुछ खर्च नहीं करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधा ले पाएंगे। ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हैशटैग फ्री वैक्सीन फॉर ऑल के साथ ट्वीट किया। एक सीधा सवाल उन्होंने कहा, अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसा क्यों लेना चाहिए? निजी अस्पताल जिस तरह से पैसा ले रहे हैं, और साफ तौर पर देखा जाए तो सरकार ने फ्री वैक्सीन की जो बात कही है, इसमें कहीं ना कहीं देखने को मिला कि सरकार अब बहुत देर बाद कदम उठाती हुई नजर आ रही है, जिस पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।